उषा आशा एवं आशा सहयोगियों के द्वारा सोमवार को क्षेत्रीय विधायक मनोज चावला को एक ज्ञापन देते हुए समस्त महिला कर्मचारियों ने बताया कि प्रदेश की आशा एवं सहयोगिनियों के जीने के लायक वेतनमान दिए जाने की मांग को लेकर पूर्व में हड़ताल के दौरान 24 जून को आशा उषा सहयोगिनी संयोजक मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल के साथ में चर्चा में मिशन संचालक ने यह बताया था कि आशाओं के लिए 10,000 रुपए वेतन वृद्धि की मुख्य मांग पर न तो NHM की ओर से और न ही राज्य सरकार की ओर से संबंध में कोई निर्णय दिया गया, जिसके चलते संयुक्त मोर्चा को हड़ताल जारी रखना पड़ा। संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा में स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन देते हुए हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि आशा एवं सहयोगिनियों के वेतन वृद्धि के मामले में मुख्यमंत्री खुद स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और आप लोगों को जल्द ही इस संबंध में खुशखबरी मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन को मानकर संयुक्त मोर्चा ने 5 जुलाई को हड़ताल स्थगित करने का निर्णय किया। प्रदेश की आशा एवं सहयोगियों को यह भरोसा था कि राज्य सरकार आंगनवाड़ी कर्मियों के बराबर आशाओं को 10,000 रुपए एवं उसी अनुपात से आशा पर्यवेक्षकों के वेतन में वृद्धि कर आशाओं को राहत देगी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के कई दिन पूरे होने के बावजूद प्रदेश सरकार की ओर से वेतन वृद्धि की मांग को पूरा किए जाने की दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाए जाने से प्रदेश भर की आशा एवं सहयोग में बेहद आक्रोश व्याप्त है। स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के 35 दिन पूरे होने के बाद भी आयोजित प्रदेश व्यापी प्रदर्शन के साथ आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा ने स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन को पूरा करने की मांग पूरा करने को लेकर ज्ञापन दिया है, जहां पर विधायक चावला ने कहा कि कोरोना काल में इन महिलाओं के द्वारा बहुत ही सराहनीय और जमीनी कार्य किया गया, परंतु मुख्यमंत्री इनका वेतन नहीं बढ़ा रहे हैं और इनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य करूंगा और इनके वेतन को बढ़ाने की मांग उनके सामने रखूंगा। देखिए, आज ये हमारी जो हमारी बहनें हैं आशा कार्यकर्ता है जो हैं, जिन्होंने पूरे कोरोना काल में संकट के समय जो लोगों की जान बचाई और संकट के समय केवल एकमात्र जो कोई व्यक्ति काम कर रहा था तो जो जमीन स्तर पर काम कर रहा था वो हमारी आशा कार्यकर्ता ही काम कर रही थी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अपने आप को मामा कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं भाई हूँ बहनों का। भाई मेरा ये कहना है मुख्यमंत्री जी, आप बहनों के भाई हों तो इनकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते? आपने इनको आश्वासन दिया पिछली बार कि आपकी तनख्वाह जो 10 से 15 हज़ार रुपये हम लोग करेंगे तो इनकी तनख्वाह बढ़ाए। हमारी बहनें परेशान हैं, 2,000 रुपये में कौन काम करता है? 2,000 रुपये महीना इनको आज मिलता है, 2,000 रुपये में कौन काम करता है आप बताइए? तो ये सब बहनें हमारी आज उन्होंने ज्ञापन दिया और उनकी जो मांग है बहुत ही उचित मांग है, इसको हम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को इसका पत्र भेजेंगे और विधानसभा में भी इस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आलोर से राकेश चौहान की रिपोर्ट।